शी हैज़ हर वे, उन्हीं की मर्जी चलती है। आई मिस द पार्टी, मैं पार्टी से वंचित हो जाता हूँ। बट लेकिन इट डज नॉट एंडियर हर, ये बात उनको प्रिय नहीं बनाती है। आई सल्क, मैं रुठ जाता हूँ। आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर ए होल डे, मैं पूरे दिन उनसे बात नहीं करता हूँ। शी कोक्सिस मी, वह मुझे पुसलाती है। और प्ले किड्स मी, और मुझे प्रसन्न करती है। टिल आई स्कब टू हर मोली कोडलिंग, जब तक मैं उनके अत्यधिक प्यार के आगे झुक नहीं जाता हूँ। देन तब, आई हग हर एंड क्राई, मैं उनसे लिपट जाता हूँ और रोता हूँ। पैट कम हर रिमार्क्स, तुरंत उनकी टिप्पणी आती है। ए 14 वर्ष, ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशन, किसी भी लड़के को अपनी भावनाओं को नियंत्रण किस प्रकार किया जाए ये जानना चाहिए। तो यहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें क्या है, मिस यानी छूट जाना, एंडियर प्रिय बनाना, सल्क रूठ जाना, होल डे पूरे दिन, कोक्सिस मनाती है पुसलाती है, प्लेकेट्स शांत करती है, स्कब झुकना या हार मान लेना, मोली कोडलिंग अत्यधिक प्यार दुलार, और क्राई रोता हूँ, पैट पैट का मतलब है यहाँ तुरंत, रिमार्क टिप्पणी, कंट्रोल नियंत्रण, इमोशन भावनाएं। अब सेकंड, दैट इज़ द ट्रबल, यही परेशानी है। एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं एक बच्चा हूँ। और आई हैव ग्रोन अप, क्या मैं बड़ा हो गया हूँ। व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली व्हाट आई एम, मेरे माता पिता स्पष्ट रूप से कब समझेंगे, मेरे माता पिता स्पष्ट रूप से कब समझेंगे व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ। आइदर आई एम ए चाइल्ड, या तो मैं एक बच्चा हूँ, और या आई एम ग्रोन अप, या मैं वयस्क हो गया हूँ। आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, एक ही समय में मैं दोनों नहीं हो सकता। मे बी हो सकता है, आई एम ए मिक्स ऑफ बोथ, मैं दोनों का मिश्रण हो सकता हूँ, या मैं दोनों का मिश्रण हूँ। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं, या मैं नहीं जानता। दैट्स इज़ यही कारण, दैट इज यही है। व्हाट मेक माई फियर सो स्केरी, जो मेरी आशंकाओं को इतना भयभीत बनाते हैं, यही बात है जो मेरी आशंकाओं को इतना भयभीत बनाती हैं। इसमें क्या है मीनिंग, ट्रबल परेशानी बाधा, ग्रोन अप वयस्क, क्लियरली स्पष्ट आइदर या ग्रोन अप वयस्क, सेम टाइम एक ही समय में या उसी समय में, मिक्स मिश्रण, ठीक। अब थर्ड पैराग्राफ में आइए, आई नो माई फियर विल डाई इफ माई पेरेंट स्टॉप टीजिंग मी लाइक ए चाइल्ड, यदि मेरे माता पिता एक बच्चे जैसा मेरे साथ व्यवहार करना बंद कर दें। तो आई नो माई फियर विल डाई, तो मुझे मालूम है या मैं जानता हूँ मेरी आशंकाएँ समाप्त हो जाएगी। बट लेकिन, नो नहीं, दे विल नॉट डू दैट, वे ऐसा नहीं करेंगे। दे किसके लिए है, माता पिता के लिए, वे ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, उनकी भी अपनी आशंकाएँ होती हैं। दैट्स वाई, इसी कारण से, अम्मा से एवरी टाइम, अम्मा हर समय कहती रहती है, आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ, मैं स्वयं जोर दे के कहने की कोशिश करती हूँ, एट द एज, इस उम्र में।
यू नीड टू बी केप्ट ऑन लिस्ट। लिस्ट का मतलब यहाँ कंट्रोल, तुम्हें नियंत्रण पर, तुम पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, यानी तुम्हें या तुझ पर या आप पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इट इज फॉर योर गुड। गुड का मतलब है यहाँ भलाई। जब आपके पजेसिव के बाद में गुड का प्रयोग करते हैं तो वहाँ अच्छा, अच्छाई या भलाई, ये आपके लिए अच्छा है या आप इसी में आपकी भलाई है। समीर, वी शैल टेक द लिस्ट ऑफ वंस यू आर केपेबल टू नोविंग व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रोंग। वी शैल टेक द लिस्ट ऑफ वंस, हम उस समय आप पर नियंत्रण उठा लेंगे, उस समय आप पर नियंत्रण जो है, तुम पर जो नियंत्रण कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, उसको हटा लेंगे, जब आप ये समझने में सक्षम हो जाओगे कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, सही क्या है और गलत क्या है। फ्रीडम नेवर कम्स इन ए डे, स्वतंत्रता जो है एक दिन में कभी नहीं आती है, स्वतंत्रता एक दिन में कभी नहीं मिलती है, कभी नहीं आती है। फ्रीडम विल बी योर्स, यानी स्वतंत्रता या आज़ादी तुम्हारी होगी, वंस उस समय यू वी फील, हम ये महसूस करेंगे, यू आर मैच्योर्ड एनफ टू हैंडल सिचुएशन, तुम किसी भी परिस्थिति को निपटने में पर्याप्त वयस्क हो जाओ या परिपक्व हो जाओ, तो ये स्वतंत्रता तुम्हारी होगी। व्हेन विल दैट बी आई आस्क, जो लेखक है वो कहता है मैं अपने माता पिता से पूछता हूँ वो समय कब आएगा जब स्वतंत्रता मेरी होगी। तो अप्पा वाक इन, पिताजी अंदर प्रवेश करते हैं। अम्मा वार्म अप टू हिज प्रेजेंस विथ ए जेंटल नोट, अम्मा जो है उनकी उपस्थिति में मतलब सज्जनता से या बहुत धीरे से सिर हिलाकर वार्म अप यानी उनका स्वागत करती है, स्नेह करती है। देन टेल मी, तब मुझसे कहती है, समीर एवरी थिंग टेक टाइम, हर समय हर कार्य जो है, हर कार्य होने में समय लगता है या किसी भी कार्य को करने में समय लगता है, या ए फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू ए फ्रूट, एक फूल जो है फल में बदलने में उसको समय लगता है, किसी भी फूल को फल में बदलने में या परिवर्तित होने में समय लगता है। इट टेक ए ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू नेक्स्ट, और आपको भी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए एक साल का समय लगता है, आपको या तुम्हें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए एक साल का समय लगता है। और सी ग्रीन्ज, वह हंस कर यानी दांत दिखाकर जोर से हंसती है। ठीक, तो इसमें मीनिंग है ये प्रेजेंस उपस्थिति, जेंटल नोड यानी सज्जनता से सिर हिलाना, और टेक्स का मतलब यहाँ लेना नहीं लगना, फ्रूट फल, ठीक, और ग्रीन यानी खुलकर हंसना या दांत दिखाकर हंसना या स्माइल करना। ठीक, अगला पैराग्राफ, अप्पा क्रेशिज मी माई आर्म एंड सेज, पिताजी जो है मेरे हाथों को सहलाते हैं और कहते हैं आई नो, मुझे मालूम है, यू हैव योर फियर, तुम्हारा अपना डर है यानी तुम्हारी भी अपनी आशंकाएं हैं। वी हैव आवर्स, और हमारी अपनी आशंकाएं हैं। वी मस्ट फाइट आवर फियर्स टुगेदर, हमें अपनी आशंकाओं को साथ मिलकर उससे जूझना चाहिए, यहाँ फाइट का मतलब लड़ना चाहिए, लड़ने का मतलब यहाँ जूझने से, हमें अपनी आशंकाओं को एक साथ मिलकर उससे जूझना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न, आपको हमारी चिंताओं को समझना चाहिए, तुम्हें
हमारी चिंता, कंसर्न का मतलब है यहाँ चिंता, अंडरस्टैंड माने समझना, तुम्हें अपनी हमारी आशंकाओं को, चिंताओं को समझना चाहिए। दे आर सो मैनी टेम्पटेशन, टेम्पटेशन क्या है यहाँ, प्रलोभन, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रलोभन होते हैं टू विच, जिसकी ओर ए यूथ इज ड्रान, कोई भी युवा जो है आकर्षित हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रलोभन होते हैं, कार्य होते हैं जिसकी ओर युवा जो है आकर्षित हो जाता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिस्ट डेम, मैं उन प्रलोभनों की, डेम किन के लिए आया, टेम्पटेशन के लिए, तो मैं उन प्रलोभनों की, उनको सूचीबद्ध नहीं करना चाहता, यानी उनके नाम गिनाना नहीं चाहता, ऐसे कौन कौन से है वो। यू नो देम नाउ, अब तुम जो है उन प्रलोभन को जानते हो। कम टू अस, हमारे पास आओ। टॉक टू अस ओपनली, और हमारे साथ तुम खुल कर बात करो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड, आए हम मित्र बनना सीखे। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर, हम जो भी आपको सलाह देते हैं उस प्रत्येक सलाह को इस प्रकार मानो जिस प्रकार इज कमिंग फ्रॉम टू फ्रेंड, मानो वह सच्चे मित्रों से आ रही हो। वी इन टर्न प्रोमिस टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट। इन टर्न बदले में हम वो सब करने का वादा करते हैं। वी डू टू ऑल दैट, हम सब वो सब कुछ करने का वादा करते हैं। दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट यानी दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट का दृष्टिकोण, हम आपके दृष्टिकोण की कदर कर सकते हैं। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड, क्या तुम मुझे अपना सच्चा मित्र बनाओगे, क्या तुम मुझे अपना सच्चा मित्र बनाओगे। मी टू यानी मुझे भी। अम्मा लिफ्ट हर चिन माई चिन, अम्मा मेरी ठोड़ी उठाती है, स्माइल इनटू माई आईज, और मेरी आँखों के अंदर मुस्कराती है, यानी मुझे देखकर वो मुस्कराती है। आई प्रेस हर पाम, मैं उसकी हथेली को दबाता हूँ, और ग्रीन हैप्पीली, और खुलकर प्रसन्नता से हंसता हूँ। वी आर थ्री फ्रेंड्स, हम तीन मित्र हैं, और बाउंड बाय लव, और प्यार के बंधन से बंधे हुए हैं। वी विल नेवर डू एनीथिंग, हम ऐसा कार्य कभी नहीं करेंगे, दैट हर्ट्स द अदर, जो दूसरे को आहत पहुंचाए, दूसरों को आहत करता हो। दैट इट्स, ये हुई न बात। वी आर हैप्पी नाउ, अब हम खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, हम आशंका से अब स्वतंत्र हैं। अप्पा जेंटली रफल माई कर्ली हेयर, पिताजी बहुत ही सहज भाव से मेरे बालों को, घुंघराले बालों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, यानी वो बालों में ऐसे अंगुलियां चलाते हैं जो उसकी दो टाल कड्डी हुई है उसको अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो इसमें मीनिंग क्या है यहाँ से देखिए आप। करेस सहजता से, प्यार से सहलाते हैं, ठीक। फियर्स आशंका, नीचे अंडरस्टैंड समझना, कंसर्न चिंताएं, टेम्पटेशन प्रलोभन, ड्रॉन आकर्षित होना, लिस्ट सूचीबद्ध करना, ओपनली स्पष्ट रूप से, एडवाइस सलाह, ट्रू फ्रेंड सच्चा मित्र, प्रमेज वादा, इंटर्न बदले में, अप्रिशिएट कद्र करना या सम्मान करना, मान करना, लेट होने, ट्रू सच्चा, चिन ठोड़ी, लिफ्ट उठाना, ग्रीन हैप्पीली प्रसन्नता से खुलकर हंसना, पाम हथेली प्रेस दबाना, बाउंड बंधे हुए, नेवर कभी नहीं, हर्ट आहत पहुंचाना, ठीक।
और जेंटली सहजता से धीरे धीरे रफल अस्त व्यस्त कर देना। कर्ली हेयर घुंघराले बाल, तो आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। प्रश्नोत्तर हम कल देखेंगे। पढ़ना इस पहला दूसरा तीसरा इन तीनों में से 100% आपको प्रश्न मिलेंगे गारंटी के साथ।